भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड यानी सेबी टाटा सन्स और ग्रुप कंपनियों के अरेंजमेंट की शुरुआती जांच कर रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ग्रुप ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। सेबी ये भी देख रहा है कि टाटा सन्स के डायरेक्टर और टाटा ट्रस्ट के नॉमिनीज को कंपनियों के बोर्ड की मंजूरी से पहले ऐसी खबरें तो लीक नहीं की गई हैं जिसमें कंपनियों के स्टॉक प्राइस पर असर पड़ता। सेबी टाटा ग्रुप की कंपनियों में चल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए वह देख रहा है कि कहीं इसमें कानून तो तोड़ा नहीं गया है। इससे ज्यादा जानकारी सेबी ने देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इस बारे में अगले कुछ दिनों में सेबी कोई फैसला करेगा। सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के मुताबिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ने पर ही दी जानी चाहिए। कंपनी के जिन एग्जीक्यूटिव को ऐसे मामलों का फैसला नहीं करना है उन्हें बोर्ड की मंजूरी से पहले ऐसी जानकारी देने की मनाही है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को ही दी जा सकती है। प्रमोटर फैमिली के रिश्तेदारों सहित बाहरी लोगों को ऐसी जानकारी देने पर रोक है। टाटा सन्स के बोर्ड को 15 अक्टूबर को लिखे लेटर में साइरस मिस्त्री इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के उल्लंघन का आरोप लगाया था। मिस्त्री के लेटर से पहली बार यह पता चल गया कि कंपनी को खरीदने और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े फैसलों पर भी टाटा सन्स के बोर्ड की मंजूरी जरूरी थी। वहीं टाटा सन्स के ज्यादातर वोटिंग राइट्स टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 121 में कहा गया है कि ऑपरेटिंग कंपनियों से जुड़े रणनीतिक फैसलों के लिए टाटा सन्स के बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। इस पर टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल टाटा के ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की मोहर लगाना अनिवार्य है। यह नियम 2014 में बनाया गया था। सेबी के एक फॉर्मर चेयरमैन के मुताबिक यह आर्टिकल सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स और कंपनी एक्ट की भावना के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।